पहला न्यूमेरिकल है आपका कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आउटर लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर आउटर लेंस से, तो 20 सेंटीमीटर हम जानते हैं कि जो पहला क्वेश्चन हम करते हैं तो u आपको कितना दे दिया गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हम निगेटिव लेंगे। उसके बाद आपसे दूसरी चीज पूछी गई, दे दी गई है आपको कि लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी बोलिए तो वो f है, अब कितनी दूर पर रखी है 30 सेंटीमीटर तक, तो वो आपका u हो जाएगा, ठीक है, कितनी दूर पर रखी होती है। तो इसलिए अब हमसे स्थित पूछ रहे हैं यानी आपसे v पूछ रहे हैं, तो लेंस के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 1/f = 1/v, मैंने बोला था आप लोग याद रखिएगा माइनस यू के आगे लगेगा, अगर प्लस कर देंगे तो दर्पण का सूत्र हो जाएगा, अगर माइनस रखेंगे तो ये लेंस का सूत्र हो जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं हम लोग, एफ की जगह पर कितना है -20, ठीक है। अच्छा माइनस में ही क्यों लिया, क्योंकि ये आउटर लेंस है, कौन सा क्वेश्चन में बोला है आउटर लेंस, अगर ये उत्तल बोलते तो हम लोग यहाँ पर क्या करते प्लस में लेते, ठीक है, इसलिए माइनस लिया गया। ध्यान रखिएगा एक चीज़, ध्यान रखिएगा जब ब्रैकेट में अगर हम आउटर लेंस लिख देंगे तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसलिए हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। फिर इक्वल 1/v हमें निकालना है, -1/-13, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और संख्या संख्या एक तरफ करनी पड़ेगी तभी सॉल्व होगा, तो माइनस माइनस प्लस और फिर से इस तरफ आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो -1/20 और -1/30 = 1/v, ठीक है, 1/v। एलसीएम क्या आ जाएगा, तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों को गुणे में लिख लीजिए जब आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो 20 × 30 वैसे तो 60 आएगा, एलसीएम का मतलब होता है वो संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए, ठीक है, तो 20 से कट जाएगा तो 30 आ जाएगा माइनस का, तो 30 कट जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा, तो बराबर 1/v। अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, जुड़ जाएगा -50/3×6, 100, ठीक है, एक जीरो कट जाएगा, 5×5, 5×2, 10, ये 1/v इक्वल चलेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/v इक्वल -1/12। तो ये पलट देंगे या ये कहिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो सबसे अच्छा चीज रेसिप्रोकल इसका, रेसिप्रोकल इसका, तो v = भाई आंसर हमें 1/v का नहीं v का निकालना है, तो v = क्या हो जाएगा -12 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए हो गए आप लोग, बिल्कुल आसान और सरल है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सेम बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वैल्यू दूसरा क्वेश्चन आपका कैसे क्या है, दूसरे में आपको बोल दिया गया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बताइए। तो आपकी फोकस दूरी कितनी दी है, -30 है और कितनी दूरी पर रखी है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, आपको इसकी जगह पर क्या लेना है, इसकी जगह पर 30 लेना है और इसकी जगह पर 15 लेना है, ठीक है। फार्मूला मैं आपको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूँ, वैसे तरीका यही है कि पहले आप फार्मूला लिखें, आपसे v पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, 1/f, 1/v और -1/u, लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/f की जगह -1/30, 1/v और -1/15, वो भी माइनस का, ठीक है, तो क्या होगा, संख्या संख्या एक तरफ, तो -1/30 और -1/15 = 1/v, एलसीएम क्या मिल जाएगा, 30 आपको तो मिल ही रहा है, दोनों का भाग 30 में चला जाएगा, तो 30 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा -1 और यहाँ इसका 15 का इसमें भाग देंगे 15 का, तो 2 times जाएगा यानी 2 बार भाग जाएगा, और उसका जब ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो -3/30, तो ये आपकी लाइन बन जाएगी, आपको नीचे दिख रहा होगा -3/30 = 1/v, तो आपका फाइनल क्या बन जाएगा 1/30, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 30/3, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी।
तो इस प्रकार आपको बिल्कुल सरल है। ये 30 आउटर लेंस है, उसकी फोकस दूरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस कर लेंगे अवतल है। और इसमें बोला गया है कि जो वस्तु को कहाँ रखें, यानी आपसे जू पूछ रहे हैं, और कह रहे हैं प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर पर बने, 12 सेंटीमीटर पर बने। फार्मूला आपका वही लगेगा, 1/f = 1/b - 1/u। 1/f की जगह माइनस का 20, और 1/b हमको मालूम है 12, और माइनस का 1/u। आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमेशा माइनस ही रहेगा, क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर देखिए, ये यू है माइनस का, तो इसको एक तरफ करेंगे तो 1/u हो जाएगा। ये इसी तरफ है, ये वाला माइनस का उस तरफ गया तो प्लस का हो गया 1/20, और माइनस का 1/12। एलसीएम क्या ले लेंगे, जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोनों को मल्टीप्लाई में ले लीजिएगा। 20 से 20 कट जाएगा तो 12 आ जाएगा, और माइनस 12 कट जाएगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। 1/u = तो 1/u = ये घट जाएगा तो आपके पास माइनस का कितना बचेगा, 8/20 × 12, ठीक है। इसको काट देते हैं, 4 × 8 और 4 × 12, तो इसके बाद आपके पास क्या बच जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली बचेगा 1/u = 1/10 × 30। तो उल्टा कर देंगे, और देखिए ये माइनस में आया है तो माइनस मत भूलें, तो u = आपके पास आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा आपको टफ नहीं है। चौथा क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब देखिए उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और किसी वस्तु के दोगुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपसे क्या कह रहे हैं चौथे क्वेश्चन में कि एक फोकस दूरी उत्तल लेंस की कितनी दे रखी है इन्होंने, आपको फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और दो गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, कितना, दो गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी एम की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। एम की वैल्यू कितनी है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होता इसमें मात्र। अब आप खुद सोचिए, अगर एम का मान 2 दिया गया है तो इसको हम आभासी है कि अब उत्तल लेंस है तो प्लस में है, ठीक है, तो इसलिए हम इसका माइनस का यूज करेंगे। तो हमको मालूम है फार्मूला v/u = m, तो अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ना वी है ना यू है, = -2, तो v = हो जाएगा -2u, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे हम लोग, तो फार्मूला हमारा वही चलेगा, 1/f = 1/v, और -1/u। v की वैल्यू उठाकर यहाँ पर हम लोग रख देंगे, 1/f = 1/v, और v की जगह कितना हो जाएगा, -2u, और -1/u। एलसीएम सॉल्व कर लेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 2u एलसीएम आ जाएगा, तो u कट जाएगा तो -1 और -1, ठीक है। ये u से भाग जाएगा, 2 आएगा इस जगह पर, कितना आएगा, 2। ये आया 1/f = 1/f = बाकी से इस तरफ कर देते हैं, 1/f = कितना बन जाएगा, -3/2u, ठीक है ना, 2u बन जाएगा। फिर इसके बाद f की वैल्यू हमारे पास हमको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 1/50 = -3/2u, तो इसको हम इधर कर देते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 2u = -150 हो जाएगा, तो u = -150/2, डिवाइड करेंगे तो u = -75 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर v निकालना है आपको तो v = क्या हो जाएगा आपके पास, -2, u हमारे पास था, इसमें वैल्यू रख देंगे -2 × -75, यानी v = आ जाएगा आपके पास प्लस का 1.5, ठीक है। उत्तल है तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव ही आएगा, भी उस तरफ बन रहा है ना, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर से एक 5वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 5वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, चलिए हम लोग 5वां कर लेते हैं, ठीक है। अगला 5वें नंबर में आपसे बोल रहा है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु, यानी यू आपको कितना दे रखा 5वें नंबर में, आपको 30 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा, कुछ छोटी सी टर्मिनोलॉजी आप बस सीखिए। जैसे बोला गया उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसका मतलब उत्तल लेंस है, तो आपकी जो भी होगी यू तो हमेशा माइनस में ही रखते हैं, ठीक है। फोकस दूरी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कितनी फोकस दूरी होगी, जबकि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, वास्तविक बोल रहा है, तो इसके प्रतिबिंब आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। यही अगर बोल देता है कि आभासी बन रहा है तो हम ये दूरी माइनस में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तब उत्तल में उसी तरफ जिस तरफ वस्तु रखी होती उस तरफ बनता है। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। अब 1/f = फार्मूला हमारा 1/b और -1/u,
यू, ठीक है, याद रखिएगा यू वाले के आगे माइनस लगाइएगा, आगे पीछे मत क्वेश्चन कीजिएगा नहीं तो फार्मूला गलत हो जाएगा। वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी, आपके पास कितना है 20 है, ये प्लस है 120 नहीं है, ठीक है, और माइनस का वन अपॉन यू की जगह माइनस का 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम आपको कुछ समझ में आ रहा तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिखिए, ये कट गया तो 30 बचा और माइनस माइनस का 30 कट गया तो 20 आ गया, तो ये आपके पास कितना हो गया 50 अपॉन 20 इंटू 30, ठीक है, एक जीरो आपका ये कट जाएगा और पाँच चौको 20, पाँच गन्नम 5, तो आपके पास सिर्फ ऊपर 1 बचा और नीचे 4 इंटू 3 बचा, ये कितना है 1 अपॉन एफ इक्वल टू, तो 1 अपॉन एफ इक्वल आपके पास आ गया 1 अपॉन 12, ठीक है, साइन जरूर देखिएगा सब पॉजिटिव ही है, तो एफ इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ध्यान से देखिएगा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब, क्योंकि उत्तर लेंस था तो आप फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए, यानी हमारा आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सही। फिर इसके बाद छठे नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, छठे नंबर में देखिए, छठे नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है किसी लेंस की वस्त्र की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाइयों में 1:4 का अनुपात है। किसी लेंस की वस्त्र की लंबाई, देखिए वस्त्र पहले बोल रहा है प्रतिबिंब बाद में बोल रहा है, तो उसका अनुपात कितना दे रखा है 1:4 का, तो इस दशा में यू और वी का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए वस्त्र की लंबाई यानी ओ बटे आई का अनुपात कितना दिया है 1:4, ठीक है ना, वो अनुपात आपको आई दे रखा है 1:4, और हम जानते हैं कि आई अपॉन ओ जो होता है वो वी अपॉन किसके इक्वल होता है यू, तो इसी का आंसर पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या इस चीज़ को हम लोग 1 अपॉन ये आई अगर नीचे आ जाए तो क्या ओ अपॉन आई नहीं लिख सकते इसको, और ये रेशियो आपको दे रखा है 1:1:4, 4 चला जाएगा ऊपर तो क्या बन जाएगा 4:1 वी बाई यू, यानी वी रेशियो यू इक्वल टू हो जाएगा 4:1, ठीक है। बस यहाँ पर यही ध्यान रखने वाली बात है, पलटने वाली, कि वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात दिया है और जबकि वी अपॉन यू का अनुपात पूछ रहा है, आपको पहले उसको एक बार उल्टा करना पड़ेगा तब वैल्यू वहाँ पर रखी जाएगी, ठीक है, ओरल आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। फिर सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सातवें नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इसको साफ कर देते हैं फिर उसके बाद अगला करते हैं सातवां नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका सातवां नंबर कि उत्तल लेंस से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो यानी ये यू आपको दे रखा है और दूसरी ओर इसका प्रतिबिंब बन रहा है 0.60 मीटर की दूरी पर, तो आपको यानी यू और वी दे रखा है, दशमलव में दे रखा, बच्चे इतने में ही बस डर जाते हैं, यू आपको कितना दे रखा है 0.15, ध्यान रखिएगा मीटर में दे रखा है, और दूसरी ओर कितना है ये तो माइनस में लेनी ही पड़ेगी 0.60 मीटर, ठीक। उसके बाद बोला है वस्त्र की लंबाई आपको दे रखी है और प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए वस्त्र की लंबाई उसने बोल दिया है कितना है 0.15 मीटर, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब उत्तल लेंस बोल रहा है ये की तरफ बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो ओ की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, ओ की वैल्यू जो रखी जाएगी ये कायम रखी जाएगी आपकी निगेटिव में होगी, ठीक है। आप देखिए फार्मूला में हम लोग सीधे लगाते हैं क्या 1:f, देखिए ये निकालने के लिए आपको v और u पता होना चाहिए पहले अलग अलग, ठीक है ना, तो आपको तो डायरेक्ट दे दिया गया तो फोकस दूरी से आपको तो कोई जरूरत ही नहीं, हमको मालूम है फार्मूला क्या होता है v अपॉन u इक्वल टू v अपॉन i अपॉन o, ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए v की जगह पे कितना है 0.60 और 0.15, इसकी वैल्यू तो माइनस पे रखनी ही पड़ेगी और i की वैल्यू हमें पता नहीं है और o की वैल्यू माइनस है 0.15, तो देखिए पॉइंट से ये पॉइंट खत्म 15 चौक, वैसे तो ये पूरी वैल्यू हम बोल सकते हैं इसको अगर जल्दी से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये चीज़ मल्टीप्लाई में जाएगी तो माइनस का 0.15 और इनटू ये चीज़ पूरी लिखी हुई थी 60 और 0.15 माइनस का, तो ये चीज़ पूरी कट गई तो आई इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0.60, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सिंपल सा आपका जो है आंसर आ गया, ठीक, सेंटीमीटर सॉरी मीटर में, इसमें होगा मीटर, तो आसान है क्वेश्चन। इसके बाद फिर हम लोग आगे करते हैं और आपसे आई, अच्छा एक चीज़ और कि इसमें जो आंसर होगा वो इमेज है, ये इमेज के लेंथ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट तो ऊपर है तो वो तो रहेगा लेकिन इमेज में माइनस आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका जो हमने ऑब्जेक्ट रखी ये तो पॉजिटिव ही रखा जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि फिगर तो इस तरीके का होगा ना,
आपका ऑब्जेक्ट से ऊपर ही होगा, तो इसका आपका ऑब्जेक्ट इमेज बन रही होगी प्रतिबिंब, वो नीचे की तरफ बनेगा, तो ये निगेटिव में रहेगा, ये वाला पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला एक आपका पॉजिटिव में रहेगा, तो उसकी वजह से ये नीचे वैल्यू निगेटिव में है, लेकिन इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला आपका पॉजिटिव में रहेगा, तो कटने के बाद ही माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। यानी आंसर ये माइनस ये बताता है कि नीचे की ओर तरफ जो है इमेज बनेगी, ठीक है, प्रतिबिंब। उसके बाद आठवें नंबर की बात करें तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस के आगे 20 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा स्टेप आगे का है। देखिए इसमें क्या है, पहले इसको साफ कर देते हैं बोर्ड को। फिर आठवें में आपसे बोला गया है एक प्रतिबिंब की जो फोकस दूरी है उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस है, लेंस जरूर ध्यान रखिएगा अवतल है कि उत्तल, ताकि गलत ना हो साइन के साथ। तो फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, आपको एफ दे रखा है, 20 सेंटीमीटर उत्तल है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में आगे उन्होंने कि लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, ठीक है, इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी पिन, यानी वो ऑब्जेक्ट की लंबाई है 2 सेंटीमीटर और ये रस्सी कितनी दूर पे है, यानी आपको दे रखा है कितना 10, ये तो आपको माइनस में लेना। अब आपसे आई पूछा जाए, ठीक है, तो फिर तरीका, अब आई के लिए आपको वी पता होना चाहिए, तो पहले हम लोग वन अपॉन एफ का फार्मूला लगाएंगे और उससे पहले हम लोग वी निकालेंगे, ठीक है। तो माइनस का तो रहेगा नहीं, ये प्लस का पंक्ति रहेगा, है ना, एफ की वैल्यू, और ये इक्वल का साइन लगा, इक्वल लगा दिया, फिर वी की जगह पे हमें मालूम नहीं है, माइनस का वन अपॉन की जगह माइनस का, माइनस माइनस प्लस और ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो वन अपॉन ट्वेंटी यानी 1/20 माइनस का 1/10 बराबर 1/3। इसमें एलसीएम आपको कुछ नहीं पता तो आप बस 20 ले लीजिए, 20 कटा तो 10 बचा, अब 10 कटा तो 20 बचा, ठीक है, इक्वल वन अपॉन बी। अब 10 में 20 जाएंगे तो कन्फर्म है कि 10 बचेगा, लेकिन बड़ी बड़े संख्या में क्या है माइनस है तो माइनस का आएगा, और 20 × 10 ठीक, इक्वल वन अपॉन बी। अब याद रखिएगा 10 से 10 कट गया तो ऊपर एक बचा, काटने का मतलब भाग देना होता है, तो 10 का भाग 10 में एक बार चला जाएगा, ठीक है, तो 10 बन जाए 10, 10 से कन्नम 10, तो ये आपके पास कितना बच गया यहाँ पर, माइनस का 1/20 इक्वल 1/बी, तो ये कितना आ गया, बी इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है कि उसी तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ ही जो है इमेज बन रही है, ठीक है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे कौन सा, वी अपॉन यू इक्वल आई अपॉन ओ, तो वी की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, माइनस का 20, यू हमारे पास कितना है माइनस का 10, और आई हमारे पास पता नहीं है और ओ हमारे पास 2, तो ओ तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये दोनों कट गए, ये कितना बन गया आपका, ये भी कट गया, तो 2 = i/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, i = 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट जब इमेजिनरी उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा होता है, तो इसी वजह से आपका ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसका दुगना लगभग 4 सेंटीमीटर का बन रहा है, इसीलिए पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और वी भी आपका निगेटिव आया था क्योंकि उसी साइड बनता है, आपको ये याद है, कभी कभी न्यूमेरिकल में 2 मार्क्स में ये भी पूछ लेते हैं, आपको मालूम है फोकस दूरी कितनी है, ये बोली उन्होंने 20, ये 20 दे दी और ऑब्जेक्ट रखा गया 10 पे, तो याद रखिए अगर 20 यहाँ मान लेते हैं, ये 20 है और यहाँ पे अगर जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो एफ से अंदर रखा होगा, तो इसका जब हम इमेज बनाएंगे तो एक आपका कहाँ से चला जाएगा, एफ से जाएगा, ठीक है, तो एफ यहाँ है तो उतनी दूर पर भेजिए, और एक आपका सी पे, तो जब इसको पीछे डॉट डॉट बढ़ाएंगे तो ये आपका यहाँ पर डबल इसका ऑब्जेक्ट का ये फॉर्म होगा, ठीक है। ये किरण आरेख बनाने को आपको 2 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर का फार्मूला या 6 मार्क्स में आएगा, तो 4 नंबर का आपको सॉल्व करने को आएगा और 2 नंबर में आपका किरण आरेख आ जाएगा, तो इसलिए ये सीखिए जरूर, ठीक है। किरण आरेख हम बनवा चुके हैं, मेरा वीडियो आप देख सकते हो पीछे, ठीक है, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए इसमें इतने न्यूमेरिकल रखते हैं हम लोग, 8 तक हो गए लगभग, मैंने आपको हर टाइप का एक न्यूमेरिकल करा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद एक अच्छा आभासी वाला और करा देते हैं, ठीक है, उसमें जिसमें एम का यूज हो, ठीक, जैसे बोला गया है 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक लेंस द्वारा प्राप्त मोमबत्ती की ज्वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है कि एक लेंस द्वारा प्राप्त मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है, यदि प्रतिबिंब का आकार ज्वाला के आकार के 3 गुना बड़ा हो, तो 3 गुना हो यानी एम दे दिया गया, ठीक, तथा यह लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो यानी आपको बी दे दिया गया, कितनी दूरी पर बन रहा है 80 सेंटीमीटर पर, तो आपको 2 चीजें दे दी गई, तो मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूर रखें यानी यू आपसे
पूछा जा रहा है, ठीक है। और लेंस की प्रकृति पूछ रहा है तो यानी आपको फोकस दूरी भी निकालनी पड़ेगी, तभी आप बता पाएंगे कि वो उत्तल है कि अवतल है, ठीक है। तो दो चीजें आपको दे रखी हैं, एक 3 गुना और एक 80, ठीक है। तो चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोला गया है इमेज कितनी है, 3 गुना बन गई, ठीक है, 3 गुना बढ़ गई। और बोला कि 80 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर बन रही है, यानी ये कितना दे दिया गया आपको, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आभासी है कि वास्तविक, ये जरूर बात लैंग्वेज में याद रखिए, एक लेंस द्वारा बने मोमबत्ती ज्वाला प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। अब देखिए जब उत्तल लेंस है अगर दूसरी ओर बन रहा है तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो फिर हम आवर्धन किसमें लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, किसमें लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो अब आपसे दो चीजें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, एक तो बी पूछ रहा है, सॉरी बी दे रखा है कि इतनी दूरी पर बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव होगा ये, और बी यू कहाँ पर वस्तु को रखते हैं, यानी यू आपसे पूछ रहा है, और लेंस की प्रकृति यानी एफ, बिना एफ के हम प्रकृति नहीं बता पाएंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि उत्तल है कि अवतल है, हमें कुछ कन्फर्म नहीं है, ठीक है। अब जब पीछे बन रहा है तो सिर्फ उत्तल में ही पीछे बनता है और तो किसी में बनता नहीं है, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हो, तो इसलिए तो कन्फर्म है कि उत्तल हो ही होगा, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ना। तो सॉल्व करते हैं, तो जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो एम पी वैल्यू हमेशा माइनस में लेते हैं, किसमें लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा आपको पुराना डाटा मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते उसको, या कन्फ्यूजन आपको बनी ही रहेगी, हम निगेटिव लें कि पॉजिटिव लें, ठीक है। ये उत्तल लेंस है तभी पीछे बन सकता है, और जब वास्तविक बनता है तो एम की वैल्यू हमेशा हम निगेटिव लेते हैं फार्मूले में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेंस में, दर्पण में नहीं, क्योंकि दर्पण और लेंस में उल्टा हो जाता है। फिर इसके बाद अब फार्मूला लगाएंगे हम लोग कौन सा, पहले अब देखिए यू और वी में एक रिलेशन बनाएंगे इससे, तो यहाँ से कि देखिए क्या निकल आएगा, यू फट से निकल आएगा आपका, तो यू कितना आ जाएगा, वी अपॉन यू इज इक्वल टू एम, तो एम पहले फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद वी की वैल्यू कितनी आई, 80, और यू की वैल्यू हमें पास हमको मालूम नहीं, और इसकी माइनस की 3, तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 डिवाइड में आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 80 अपॉन माइनस का 3, सॉरी ठीक, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको लगभग डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा, लगभग 3 × 6 और 3 × 18, 3 × 18 26.66 सेंटीमीटर, वो भी निगेटिव में, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग निकाल रहा है फोकस दूरी, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, 1/f = 1/v और माइनस का 1/u, तो अब इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो 1/f की जगह हमने अभी कुछ नहीं निकाला, हमें निकालना है v, अभी हम लोग निकाल चुके हैं कितना है, 80 है, और माइनस का 1/u, यू हमारे पास, तो ये वाली वैल्यू रखिएगा तो आपको आराम रहेगी, ठीक है, माइनस का तो ऊपर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा क्या, 1/f = 1/80 और प्लस का 3/80, तो ये हो जाएगा 80 और 1+3, तो ये हो जाएगा 4/80, 1/f = 4 से काट देंगे तो ये 20 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, तो 1/f = 1/20, तो f = कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। देखिए पॉजिटिव आया, इसका मतलब उत्तल लेंस है, कौन सा है, तो प्रकृति क्या हो जाएगी आपकी, प्रकृति हो जाएगी उत्तल, कैसी हो जाएगी, उत्तल लेंस, याद रहेगा आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल थे जो हैं, आप जरूर इनका अभ्यास कीजिएगा, आप अगर इनका अभ्यास कर लेंगे तो आप, हाँ एक फार्मूला, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, पावर का, शक्ति का, डायोप्टर का, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको, यहाँ जगह है, एक 10 नंबर क्वेश्चन करा देता हूँ, कि क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ऑप्शनल में आता ही आता है, किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, कितनी है, तो 2 तरीके का क्वेश्चन है, एक में फोकस दूरी होगी तो आपसे क्षमता पूछेगा, और एक में क्षमता दी होगी तो फोकस दूरी पूछी जाएगी। तो अब क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता कितनी है, तो सी है आपकी 2 डायोप्टर, कितनी है, 2 डायोप्टर, चिन्ह जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आंसर में आपके दोनों होंगे निगेटिव पॉजिटिव, सही आपको लगाना होगा, तो आपकी है 2 डायोप्टर पॉजिटिव में, ये तो उसकी फोकस दूरी बतानी है और प्रकृति बतानी है। तो जब आपको ये प्लस में दे रखा है तो पहले देखिए फार्मूला लगेगा f = 1/p, फार्मूला होता है p = 1/f, ठीक है, p = 1/f, ठीक है, डायोप्टर, तो अब p हमें मालूम है 2 और 1/f, तो f = क्या हो जाएगा, 1/2, तो ध्यान रखिएगा ये आंसर जब आएगा तो मीटर में आएगा, इसमें आएगा ये मीटर में आएगा, 0.5 मीटर। अगर इसी की जगह पर हम 100 वाला फार्मूला यूज कर लें, कौन सा, 100/f, ठीक है, तो यहाँ उस समय यहाँ ये सेंटीमीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, ठीक है। तो अगर हम 100 वाला यूज करेंगे, 100/f, ये मीटर में होगा, ये आपका सेंटीमीटर में होगा,
ठीक है। तो अगर हम यहाँ रखते तो 100/2 हो जाता, तो आपका ये 50 हो जाता। आपको एक ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, या तो ये या तो ये, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 50 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी हो गई, पॉजिटिव आ रही है तो फिर पॉजिटिव आई, इसका मतलब प्रकट कैसी हो गई, उत्तल लेंस हो गया, ठीक। ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से कहा कि फोकस दूरी एक 11 नंबर है कि फोकस दूरी आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर, तो पावर बताइए, पावर बताइए। तो सीधा सा P इक्वल टू आप 100 वाला लगाइए, अब सेंटीमीटर में दिया तो 100 वाला ही लगाना पड़ेगा, 100/F, तो वैल्यू हो जाएगी 100/F की जगह 80, और ये 1 0 कट गया, 2 चौके 8 और 2 5 10, तो आपके पास 5/4 हो गया, डिवाइड कर दिया तो 1 और 4×4 2 तो 2/5, ठीक है ना। P इक्वल टू 2.5 उत्तर, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, P = 1.25 डायोप्टर, ठीक है। इस तरीके का ये आपका आंसर होगा। ये 2 नंबर का एक कंफर्म क्वेश्चन है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा, पूरे एक एक न्यूमेरिकल देखिए और इसका अभ्यास जरूर कीजिए।